Good morning, dear student. In the continuation of chapter thermodynamics, today we are going to start first law of thermodynamics. The statement of thermodynamics first law is already being learned in many ways. Energy can neither be created nor destroyed, but it can transfer from one form to another form. ठीक है? First law of thermodynamics बहुत बार हम पढ़ चुके हैं. कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, एक्चुअली इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर ए सिस्टम हमने लिया जिसकी की इंटरनल एनर्जी यू वन है. आप उसको क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी. लेट्स इट बिकम यू टू. जब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी देन देयर विल बी सम वर्क डन. सो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो हीट और वर्क डन का सम होगा. दैट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव हम W की जगह लिख सकते हैं माइनस P डेल्टा V. अगर ऑन द सिस्टम हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा. अगर साइक्लिक सिस्टम होगा तो W जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आपके ये रिलेशन हमें मिला Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ठीक है, तो ये दो ये रिलेशन आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट में, तीनों तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. तो इसको आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे. इसके बाद नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक टर्म यूज होता है, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी. जनरली जब हम इंटरनल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे. द एनर्जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. एंड किसी भी सिस्टम की एनर्जी, किसी भी प्रोसेस जो हो रही है वो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होती है देन द टर्म नोन एज एंथैल्पी. ठीक है, एंथैल्पी मींस हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. इसीलिए जनरली एनर्जी को हम एंथैल्पी लिखते हैं बिकॉज जो नेचर में होने वाली सारी प्रोसेस हैं वो एक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है. इसीलिए इसको हम एंथैल्पी टर्म कहते हैं. कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाली एनर्जी That is known as enthalpy. और इसको हम डिनोट करते हैं H से. और H एक स्टेट फंक्शन है जिसको जिसके लिए एक रिलेशन दिया जाता है H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी. एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, जहाँ U क्या है इंटरनल एनर्जी और P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम. चलिए इसको हम एक डेरिवेशन के थ्रू ले लेते हैं. मान लीजिए कोई प्रोसेस है जो ए से बी में चेंज हो रही है, तो जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो होगा एच बी माइनस एच ए, मीन्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. और डेल्टा एच को मेजर करने के लिए, डेल्टा यू को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जिसको कहा जाता है बॉम कैलोरीमीटर. बॉम कैलोरीमीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर चेंज करके एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों को ही कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, इससे ज़्यादा बॉम कैलोरीमीटर का पूरा एक्सप्रेशन आपके एनसीईआरटी की बुक में है, जिसको आपको जस्ट एक बार रीड करना है. उसको आपको नोट्स में भी लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब एक रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का रिलेशन. ये जो डेरिवेशन है ये आपका एग्जाम्स में भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में, और इस पर बेस न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक प्रोसेस है जो ए से बी में चेंज हो रही है. अब हमें रिलेशन पता है एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी डेल्टा वी. तो इस चेंज इन प्रोसेस ए से बी के लिए एंथैल्पी चेंज है वो हम कैसे निकालेंगे, एच बी माइनस एच ए यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. अब एच बी के लिए हम ले लेते हैं वैल्यू पुट करते हैं, तो यू बी प्लस पी वी बी, और इसी तरीके से हम यू एच ए के लिए वैल्यू लिख देते हैं. देन वी विल कैलकुलेट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू. ठीक है, प्लस पी
वी बी माइनस वी को हम लिख सकते हैं डेल्टा बी, तो ये रिलेशन हमारे पास आया डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक, अब ये वाला रिलेशन डेरिवेशन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है और ये वाला रिलेशन जो है यूज होगा आपके किसमें, न्यूमेरिकल्स में। बट इसको थोड़ा सा आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं बाय द आइडियल गैस इक्वेशन, हमें पता है पी बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, तो डेल्टा वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी। ये वाला जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ये जो डेल्टा एन जी है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये सॉलिड और लिक्विड को हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन हमें गिवन है H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। इसके लिए हमें डेल्टा H या डेल्टा U की वैल्यू निकालनी है, वो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बट डेल्टा N की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। डेल्टा N क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, रिएक्टेंट के कितने हैं, स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशियंट होते हैं उन्हीं को हम मोल्स कहते हैं, 1 + 1 यानी कि 2 - 1 + 1 यानी कि 0। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 0। जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो गई तो वो पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे CaCO3 सॉलिड, इसको हम हीट करते हैं तो ये CaO सॉलिड और CO2 गैस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे डेल्टा एन की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो NP - NR, NP प्रोडक्ट में देखिए ये वाला सॉलिड सिर्फ ये गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हो गए, 1, सॉलिड वाला हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। रिएक्टेंट में देखिए 1 है लेकिन ये सॉलिड, तो 1 - 0 दैट इज 1। ठीक है, ये गलती से लिखा गया दैट इज 1, तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 1। तो इस तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल सर्च करेंगे, आपकी NCERT की बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड दिए हैं जो आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।